ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया और फिर एक्टिंग में किस्मत आजमाई। हालांकि इनमें से कुछ तो हिट रही और कुछ फ्लॉप। ऐसी ही एक एक्ट्रेस है ईशा गुप्ता। 32वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही ईशा ने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया और इस फील्ड में नाम भी कमाया, लेकिन बतौर एक्ट्रेस उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। आज आपको ऐसी ही अन्य सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं। कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करने वाली सुष्मिता सेन जहां बतौर मॉडल सफल रही, वहीं एक्ट्रेस के तौर पर वे सफलता हासिल नहीं कर पाई। उन्होंने फिल्म दस्तक 1996 से डेब्यू किया। इसके अलावा उन्होंने जो 1997, आंखें 2002, वास्तुशास्त्र 2004, बेवफा 2005 सहित अन्य फिल्मों में काम किया। अनुष्का शर्मा ने अपना करियर मॉडल के तौर पर शुरू किया। उन्होंने कई फैशन शोज में रैंप वॉक किया। मॉडलिंग में सफलता हासिल करने के साथ ही उन्होंने 2008 में फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने इसके अलावा कई हिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने बैंड बाजा बारात 2010, जब तक है जान 2012, पीके 2014, सुल्तान 2016, ए दिल है मुश्किल 2016 सहित अन्य फिल्मों में काम किया। पूजा बत्रा की गिनती टॉप मॉडल्स में रही है। कई फैशन शोज में रैंप वॉक करने के साथ ही उन्होंने फेमस ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की। हालांकि उनका एक्टिंग करियर फ्लॉप रहा। उन्होंने 1997 में फिल्म विरासत से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके अलावा उन्होंने भाई 1997, साजिश 1998, हसीना मान जाएगी 1999, दिल ने फिर याद किया 2001, परवाना 2003 सहित अन्य फिल्मों में काम किया। कैटरीना कैफ ने अपना करियर बतौर मॉडल शुरू किया। कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने 2003 में फिल्म बूम से करियर शुरू किया। हालांकि उनकी डेब्यू फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने मैंने प्यार क्यों किया 2005, वेलकम 2007, रेस 2008, राजनीति 2010, एक था टाइगर 2012 सहित अन्य फिल्मों में काम किया। कैटरीना की गिनती भी सफल एक्ट्रेसेस में की जाती है। 2000 में मिस इंडिया पैसिफिक का खिताब जीतने के बाद दीना मिर्जा को कई मॉडलिंग असाइनमेंट मिले। उन्होंने फैशन शोज के साथ ही कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की। इस फील्ड में सफलता हासिल करने के बाद वे फिल्मों में आई। मॉडलिंग में जितना नाम उन्होंने कमाया, उतना वे बॉलीवुड में नहीं कमा पाई। उन्होंने 2001 में फिल्म रहना है तेरे दिल में से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके अलावा उन्होंने तेजीब 2002, दम 2003, क्यों हो गया ना 2004, दस 2004 सहित अन्य फिल्मों में काम किया। नेहा धूपिया ने भी कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की और उन्हें कामयाबी भी मिली, लेकिन एक्ट्रेस के तौर पर वे सफलता हासिल नहीं कर पाई। उन्होंने 2003 में फिल्म कयामत से डेब्यू किया। इसके अलावा उन्होंने जूली 2004, शीशा 2005, चुप चुप के 2006, दस कहानियां 2007, दे दनादन 2009 सहित अन्य फिल्मों में काम किया।